सपोर्टेड अमालगम जो प्रोट्रूड आउट कर रही है वो बाद में जब ऑक्लूजल लोड पड़ेगा तो उसकी वजह से ब्रेक ऑफ हो जाती है। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कि अनसपोर्टेड एज जो है फर्दर करोजन की वजह से वीक हो सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, डिचेस बन जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे डिचिंग शो हुई है, देख रहे हो मार्जिन पे पूरी डिचिंग आ रही है। और इस सब का वजह क्या है, गैमा टू फेज जो मैंने पहले बताया था सेटिंग रिएक्शन के वक्त कि गैमा टू फेज जो है वो रीजन है इस सब प्रॉब्लम का, कि गैमा टू फेज की वजह से हमें ये सारे इश्यूज आ रहे हैं डिचिंग के और ये सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्रीप के। तो अगर गैमा टू फेज रिप्लेस हो जाएगा दैट इज कॉपर एनरिच्ड अलॉयज, तो गैमा टू फेज तो होगा ही नहीं या फिर वो थोड़े टाइम के लिए होगा, तो इन अलॉयज में क्रीप कम होगा या होगा ही नहीं। ठीक है, कंपैरेटिवली क्रीप के जो वैल्यूज है वो कम हो जाएंगी, गैमा टू फेज क्योंकि कम है उसमें है ही नहीं या फिर बिल्कुल थोड़े टेम्प्रेरी टाइम पे है, तो क्रीप की वैल्यू कम हो जाएगी और उसकी वजह से डिचिंग कम हो जाएगी। तो बेसिकली जो डिचिंग है वो क्रीप की वजह से हो रही है मेजोरिटी टाइम्स, और अगर क्रीप नहीं होगा तो डिचिंग भी नहीं होगी। और वो अवॉइड करने के लिए हम क्या करें, कन्वेंशनल अमैलगम की जगह हम कॉपर एनरिच्ड अमैलगम यूज करेंगे। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे करोजन एंड टफनेस, जो कि अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो मैं हमेशा से बताती आ रही हूँ। अमैलगम में करोजन टार्निश इंपॉर्टेंट है। टार्निश क्या होता है, लॉस ऑफ लस्टर, लॉस ऑफ ऑन द सर्फेस ऑफ द मेटल और अलॉय ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सर्फेस कोटिंग। अच्छा, अब होता क्या है जब लॉस ऑफ लस्टर हो जाएगा, देखो यहाँ पे शाइन रिमूव हो रही है तो ये कौन सी कोटिंग बन रही है, सल्फाइड की लेयर हो जाती है। ठीक है, ये सल्फाइड की लेयर आ जाती है यहाँ पे ऊपर जो थोड़ी सी ब्राउनिश कलर की होती है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हो ये सल्फाइड की लेयर बन रही है, टार्निश जा रहा है, ब्लैकिश कलर आ रहा है उसका। ठीक है, लेयर फॉर्मेशन हो रही है। ओके, सल्फाइड लेयर की फॉर्मेशन हो रही है जो कि बाद में हम रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, जो भी टार्निश हो रहा है, टार्निश इज वन ऑफ द थिंग्स जो कि करोजन को प्रिवेंट करता है। कैसे प्रिवेंट करता है, ऑब्वियसली करोशन तभी होता है जब हमारे जो सर्फेसेस होते हैं उन पे जो हमारे डिफरेंट मेटल्स हैं अमालगम में, जैसे हमने बताया कि डिफरेंट मेटल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं। अगर हमारे मेटल्स आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, तो आगे करोशन हो ही नहीं सकता। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है, एक सर्फेस बने एनोड, एक सर्फेस बने कैथोड। तो कैथोड और एनोड जो है वो दोनों फॉर्म होते हैं और उसके बाद जो हमारे आपस में उनमें रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है सलाइवा, तो बीच में बेसिकली बनता है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कॉन्सेंट्रेशन हो रही है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कॉन्सेंट्रेशन में क्या है, एक ही फिलिंग के अंदर आपस में जो डिफरेंट फेजेस फॉर्म हुए हैं उसके बीच में रिएक्शन प्रोसेस हो रहा है। तो ये रिएक्शन को ओवरकम करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम कोशिश करेंगे कि हमारे जो सर्फेसेस हो वो पॉलिश्ड हो अच्छी तरह से। अगर अच्छे से पॉलिश्ड होंगे तो करोजन कम होगी। उसके अलावा अगर हम कन्वेंशनल अमैलगम ना यूज करें और उसकी जगह हम कॉपर एनरिच्ड अमैलगम यूज करें तो भी उससे ये फायदा होगा कि हमारी अमैलगम जो है वो लेस प्रोन टू करोजन होगी। उसके अलावा कोशिश करना ये है कि और कोई भी मेटल की फिलिंग क्राउन या ब्रिज हमारे जो है आसपास नहीं हो, क्योंकि अगर वो भी प्रेजेंट तो भी करोजन होना शुरू हो जाती है। ऑब्वियसली जब मैंने पढ़ाया था तो बताया था कि जब दो मेटल्स एग्जिस्ट करेंगे ओरल कैविटी में तो भी करोजन प्रोन हो जाता है। तो हमने ये भी ख्याल रखना है कि अगर हम अमैलगम फिलिंग कर रहे हैं तो उसके आसपास गोल्ड की फिलिंग या गोल्ड का क्राउन या कोई भी स्टील का क्राउन ऐसी कोई चीज ना प्रेजेंट हो। ओके, अब क्या चीज अफेक्ट होती है, सबसे इम्पोर्टेंटली लॉस ऑफ लस्टर जो होता है दैट इज टार्निश। ठीक है, टार्निश की वजह से कोई भी मैकेनिकल प्रॉपर्टी पे अफेक्ट नहीं आता, क्योंकि टार्निश किसी भी तरह से हमारे ब्रेक डाउन नहीं करा रहा, कोई फ्रैक्चर नहीं करा रहा, वेयर ऑफ नहीं हो रहा हमारा जो फिलिंग मटेरियल है, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज तो इंटैक्ट रहती हैं और इसीलिए इंटेग्रिटी भी अफेक्ट नहीं होती, मतलब ड्यूरेबिलिटी, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी स्ट्रेंथ, ये सब चीजें अफेक्ट नहीं होंगी, क्योंकि टार्निश इज सिंपली लॉस ऑफ लस्टर। ये लस्टर जो शाइन आ रही होती है सर्फिस पे से वो रिमूव हो जाएगी और उसकी जगह क्या आ जाएगा, एक सल्फाइड की कोटिंग बन जाती है, सल्फाइड लेयर फॉर्मेशन हो जाती है, दैट्स इट। तो टार्निश क्लियर है, आगे चलें। अगर कोई भी कंफ्यूजन, कोई चीज नहीं समझ आई है तो चैट में मुझे बता सकते हो, तो उसको आंसर कर दूंगी। अच्छा,
अच्छा उसके अब होता ये है कि अकर्स ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ सल्फाइड लेयर, जो मैंने अभी बताया सल्फाइड लेयर में क्या होगा, अभी पिछले वाले हमने जो डायग्राम था देखो उसमें देखा ये हमारा पॉलिश सरफेस है ठीक है, और यहाँ पे अब नेक्स्ट स्लाइड में टार्निश हो गया है, तो क्या हुआ जो हमारा पॉलिश सरफेस शाइनी सरफेस था वो खत्म हो गया और उसकी वजह से यहाँ पे ब्लैकनिंग हो गई ठीक है, ब्लैकिश अपीयर हो गई। अच्छा जो ब्लैक अपीयरेंस होगी, अब आवाज बेटर हुई है या अभी भी कोई प्रॉब्लम है, अपना वॉल्यूम थोड़ा सा इंक्रीज कर लो। अच्छा पिछले वाले स्लाइड में मैंने दिखाया था कि बहुत ज्यादा हमारा जो सरफेस था वो बहुत ज्यादा शाइनी था, अब इस वाली स्लाइड में ये है कि हमारा सरफेस जो है अब ब्लैकनिंग अपीयरेंस आ गई है ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ है सल्फाइड की ऊपर लेयर फॉर्मेशन हो गई है, सल्फाइड लेयर ऊपर से फॉर्म हो गई है और some passivation of partial protection against further corrosion occurs as a result of the tarnish process, जो मैंने अभी बताया कि अगर एक surface हमारा tarnish हो जाएगा तो उसकी वजह से हमारा जो surface होगा उस पे ये effect आएगा कि वो corrosion कम करेगा ठीक है, क्योंकि already वो tarnish हो गया है, tarnish होने की वजह से sulfide की layer, अब sulfide layer क्या use किया as a passivating effect दे रही है, basically वो protection provide कर रही है ठीक है, जो सल्फाइड लेयर फॉर्म हुई है अगर वो सल्फाइड लेयर नहीं होगी तो ये सरफेस ज्यादा करोशन प्रोन होगा, और सल्फाइड लेयर के बीच में एक लेयर फॉर्म हो गई जिसकी वजह से हम सलाइवा से कांटेक्ट में नहीं आ रहे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल पूरी तरह से नहीं बन रहा है, तो वहाँ पे टार्निश होना एक तरह से थोड़ी सी पैसिवेशन प्रोवाइड कर रहा है जो कि हमारे करोशन को प्रिवेंट करने में हेल्प करता है। अच्छा अगर हमें दोबारा से टार्निश हटाना है तो हमें क्या करना होगा, हमें इस सरफेस को दोबारा से अच्छी तरह से पॉलिश करना होगा, तो ये वापस से रिमूव हो जाएगा टार्निश और वापस से ये स्मूथ शाइनी सरफेस हो जाएगा ठीक है, टार्निश कर है। नेक्स्ट आ गए हम करोजन पे, करोजन क्या करता है अफेक्ट करता है स्ट्रक्चर को और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को, टार्निश जबकि किसी भी तरह से हमारे स्ट्रक्चर को अफेक्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ एक सल्फाइड लेयर फॉर्मेशन हो रही थी और हमारी शाइन लूज हो रही थी, यहाँ पे स्ट्रक्चर को और मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट हो रही है। अच्छा हेट्रोजेनस मल्टीफेज स्ट्रक्चर होता है अमैलगम का, जो कि मैंने पहले ही बताया है डिफरेंट फेजेस बनते हैं डिफरेंट मेटल्स की वजह से, क्योंकि डिफरेंट मेटल्स उसमें मौजूद हैं, तो उसकी वजह से करोजन प्रोन होता है, अमैलगम सबसे ज्यादा करोजन प्रोन फिलिंग मटीरियल है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो फॉर्म हो रहा है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे डिफरेंट फेजेस बन रहे हैं, एक फेज कैथोड की तरह एक्ट करेगा, एक फेज एनोड की तरह एक्ट करेगा और हमारा जो सलाइवा है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह एक्ट करता है। अच्छा बेसिकली होता ये है कि जब हम फिलिंग करते हैं तो सबसे पहले ओक्लूजल जो प्रेशर्स पड़ते रहते हैं, ओक्लूजल हमारे मास्टिकेटरी रोड की वजह से थोड़ी थोड़ी क्रीप होती रहती है ठीक है, क्रीप की वजह से क्या हुआ यहाँ पे देख रहे हो मार्च की तरफ ये अनसपोर्टेड अमैलगम आ गए ठीक है, अनसपोर्टेड अमैलगम आ गए, अब इसमें फर्दर करोजन हो गई, इसकी जगह पे फर्दर करोजन हो गए और यहाँ पे ये फ्रैक्चर होता गया, अब जैसे जैसे ये फ्रैक्चर होता जाएगा यहाँ पे डिच फॉर्म होगी, डिच फॉर्म हो गई ये देख रहे हो डिच फॉर्मेशन हो जाते हैं और यहाँ पे करोजन हो रही है। डिच अच्छा डिच फॉर्मेशन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है क्रीप होना और फिर उसके बाद उसी जगह पे करोजन होना, तब ही डिच फॉर्मेशन होगी, ज्यादातर इस वजह से होती है। और यहाँ पे और बेटर तरीके से देख रहे हो ये सर्फेस फैसेट्स है, जो मैंने बताया था बीच में होते हैं सर्फेस फैसेट्स ये वो है देख रहे हो, सर्फेस फैसेट्स की वजह से भी बाद में यहाँ पे अगर करोजन हो जाएगी इस एरिया में तो उस पे डिचेस बन जाती हैं ठीक है, क्लियर है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लो, आगे चलते हैं। ओके गामा टू फेज बेसिकली जो होता है हमारी कन्वेंशनल अमैलगम में वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकली रिएक्टिव फेज होता है और सबसे ज्यादा करोजन भी गामा टू की वजह से हो रही है, और गामा टू की वजह से अभी मैंने पिछली जो हमारा पॉइंट था डिस्कस किया था उसमें बताया था कि सबसे ज्यादा क्रीप भी गामा टू की वजह से ही हो रही है, तो गामा टू फेज की वजह से बेसिकली क्रीप करोजन सबसे ज्यादा हो रही है, क्यों, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोकेमिकली रिएक्टिव फेज होता है और गामा टू जो है ब्रेक डाउन करेगा जो करोजन प्रोडक्ट्स बनेंगी ना, बेसिकली ब्रेक डाउन कर रहे हैं और करोजन प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो करोजन प्रोडक्ट्स क्या क्या बनती है, 10 कंटेनिंग करोजन प्रोडक्ट्स रिलीज होंगी और उसके अलावा मर्क्यूरी रिलीज होगी। अब जो मैंने बताया सेटिंग रिएक्शन के वक्त वो चीज याद करो कि जब भी हमारा सेटिंग रिएक्शन होता है हमेशा कुछ अमाउंट ऑफ अनरिएक्टेड कोर्स ऑफ सिल्वर टिन रह जाते हैं,
वो अनरिएक्टेड फोर्स अब हमारे जो मर्क्यूरी रिलीज हो रहा है करोजन के रिजल्ट में उसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं. ठीक है, हो क्या रहा था, जब सेटिंग रिएक्शन हो रहा है, मैंने बताया था चाहे सेटिंग रिएक्शन हो हमारे अमोनियम का, चाहे सेटिंग रिएक्शन हो किसी भी और चीज का, ठीक है, जो कि हमारे कॉपर इनिशियल ऑयल्स, सॉरी, जो कॉपर इनिशियल ऑयल्स हो या हमारे कन्वेंशनल अमैलगम हो, दोनों में ये होता है कि जब भी रिएक्शन कंप्लीट होता है कुछ अनसपोर्टेड फोर्स रह जाते हैं जो कि में काम आएंगे. ये बात मैंने डिस्कस की थी. अब वो किस चीज से रिएक्ट कर रहे हैं, वो यहाँ पे मर्क्यूरी के साथ रिएक्ट कर रहे हैं. मर्क्यूरी कैसी आई, जब हमने करोजन कराया, करोजन क्यों हुआ, गामा टू फेज की वजह से, गामा टू फेज की वजह से करोजन हुआ. करोजन के रिजल्ट में टिन कंटेनिंग करोजन प्रोडक्ट्स रिलीज हुए और उसके अलावा मर्क्यूरी रिलीज हुआ. टिन कंटेनिंग करोजन प्रोडक्ट्स और मर्क्यूरी रिलीज हुआ और जो मर्क्यूरी हमारा रिलीज हुआ है वो उसके बाद जो है रिएक्ट करेगा हमारे अलॉय के साथ, अनरिएक्टेड अलॉय के साथ, और वो फर्दर सेटिंग में हेल्प करेगा. अच्छा, स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मर्क्यूरी इज इंजेस्टेड इन कॉपर एनरिच्ड अलॉयज. अब कुछ अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी जो है वो इंजेस्ट भी हो जाता है. ऑब्वियसली पूरी तरह मर्क्यूरी हमारा अनरिएक्टेड अलॉय के साथ नहीं कंबाइन हो रहा, तो कुछ अमाउंट जो है वो रह जाता है अनरिएक्टेड. अब वो जो अमाउंट रह गया है अनरिएक्टेड मर्क्यूरी वो इंजेस्ट हो रहा है, और जब भी इंजेस्ट होगा तो वो हमारे लिए हैजार्डस होगा, हमारे लिए हार्मफुल होगा. हार्मफुल किस तरह से होगा, वो डिफरेंट तरीकों से होगा, वो अभी हम आगे पढ़ेंगे. बेसिकली वो क्या करता है, अमेलगम टैटू बना सकता है, हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके हमें साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंसेस करा सकता है, उसके अलावा सिस्टमिक में, सिस्टम में हमारी टॉक्सिसिटी करा सकता है. और अगर हमारा अमेलगम, हमने अमेलगम का वेपर, जैसे अमेलगम हमारे और इंजेस्ट हुआ तो उसकी वजह से हमें वो हो सकते हैं, लाइकेनॉइड रिएक्शंस होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस बेसिकली होते हैं, स्किन पे एलर्जी की पैचेस हो सकते हैं और डिफरेंट और प्रॉब्लम्स आती हैं. अच्छा, इन कॉपर एनरिच्ड अलॉयज कॉपर टिन फेज इज मोस्ट रिएक्टिव फेज, रेट ऑफ करोजन इज एक्सेलरेटेड इफ अमैलगम फिलिंग इज कॉन्टैक्ट विद गोल्ड रिसिपिएंट. ये बता रहे हैं कि अगर हमारा कॉपर एनरिच्ड अलॉय होगा तो उसमें बन रहा है कॉपर टिन इंस्टेड ऑफ जो हमारा टिन मर्क्यूरी फेज बन रहा था गामा टू, उसकी जगह यहाँ पे बन रहा है कॉपर टिन. तो कॉपर टिन फेज जो है वो रिएक्टिव तो होता है बट वो उतनी करोजन नहीं कराता जितनी हमारा गामा टू फेज करा रहा है. गामा टू फेज इज अवर टिन मर्क्यूरी फेज. तो टिन मर्क्यूरी फेज ज्यादा रिएक्टिव होता है, ज्यादा हार्मफुल है, इसीलिए हमने उसको अब रिप्लेस कर दिया है कॉपर एनरिच्ड में, कॉपर कंटेंट बढ़ा दिया है. ठीक है, अच्छा, और दूसरी चीज ये जो मैंने अभी पॉइंट डिस्कस किया था कि चाहे हम कॉपर एनरिच्ड अलॉयज यूज करें बट अगर हमारी ओरल कैविटी में कोई मेटल है, फॉर एग्जांपल गोल्ड, तो वो दोबारा से इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन जाएगा और रिएक्शन होना शुरू हो जाएगा. और ये जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनेगा ये ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगा हमारे लिए कि एक गोल्ड के जो फॉइल है वो पूरी तरह से रिएक्ट करेगा हमारे अमैलगम फिलिंग के साथ, तो वो ज्यादा हार्मफुल हो जाएगा. इंस्टेड ऑफ जो हमारा अंदर ही जो सेल कंसेंट्रेशन सेल जो बन रहा था हमारा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक जो बन रहा था, जो एक हमारी अमैलगम फिलिंग अंदर है, तो हमने इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर हम अमैलगम फिलिंग कर रहे हैं तो कोई और मेटल ना यूज किया जाए हमारी ओरल कैविटी में, स्पेशली गोल्ड, क्योंकि गोल्ड से करोजन बढ़ेगा, करोजन अमैलगम में बढ़ेगा ड्यू टू गोल्ड. अगर गोल्ड होगा तो वो अमैलगम में ज्यादा करोजन करवाएगा. ओके, ये था हमारे पास कि यहाँ पे देखो ये हुई हुई है अमैलगम की फिलिंग हुई हुई है, ठीक है, यहाँ पे हुई हुई है अमैलगम की फिलिंग, और ये रहा गोल्ड का हमारा क्राउन. अब गोल्ड का अगर क्राउन होगा अमैलगम फिलिंग के साथ तो करोजन ऑब्वियसली होगी ही होगी. अच्छा, अब करोजन जो है इंक्रीज क्यों क्यों होती है. इंक्रीज्ड करोजन रिजल्ट फ्रॉम मल्टीफेजिक स्ट्रक्चर ऑफ डेंटल अमैलगम. ठीक है, फर्स्ट रीजन ये था क्योंकि उसमें डिफरेंट फेजेस फॉर्म हो रहे हैं, डिफरेंट मेटल्स यूज हुए हुए, बहुत सारे अलॉय स्ट्रक्चर्स हैं, तो इसलिए अमैलगम में ज्यादा हो रही है करोजन. उसके अलावा अगर लो कॉपर अमैलगम होगी, जो लो कॉपर अमैलगम होगी उसमें जो कॉपर कंटेंट है वो लेस होगा, विच इज 6% और लेस. या फिर अनपॉलिश्ड अमैलगम सरफेस होगा, अगर अनपॉलिश्ड अमैलगम सरफेस होगा तो भी यहाँ पे करोजन कम होगी. उसके अलावा अगर अमैलगम इज इन कॉन्टेक्ट विद गोल्ड तो भी करोजन
अच्छा सॉरी, तो भी करोजन ज्यादा होगी, ये रीजन है करोजन इंक्रीज होने के। मल्टीफेजिक स्ट्रक्चर ऑफ डेंटल अमालगम, लो कॉपर अमालगम, अनपॉलिश्ड अमालगम और अमालगम इन कॉन्टेक्ट विद गोल्ड। अगर पॉलिश सर्फेस होगा करोजन कम हो जाएगी, अगर कॉपर कंटेंट बढ़ जाएगा करोजन कम हो जाएगी। अब जो फेजेस हैं उनको तो चेंज नहीं कर सकते अमालगम के, तो वो तो करोजन प्रोन होते ही हैं। और अगर अमालगम हम किसी भी और मेटल के कॉन्टेक्ट में नहीं लाएंगे तो भी करोजन कम हो जाएगी। कॉपर अनरिच्ड अमालगम रिप्लेसेस द गैमोर टू फेज, ऑल्दो इट इज ऑल्सो प्रोन टू करोजन बट एट अ लेसर एक्सटेंट। तो बेसिकली कॉपर एनरिच्ड अमालगम जो होती है वो हमारे करोजन को कम कराती है और इंक्रीज एफिनिटी कराएगी। वो बेसिकली क्या होता है कि टिन की एफिनिटी हमारे कॉपर के साथ बढ़ जाएगी। जब कॉपर टिन फेज बनेगा वो गामा टू को रिप्लेस करेगा, और गामा टू जो था हमारा वो हार्मफुल फेज था। गामा टू बन रहा था मर्क्यूरी और टिन की वजह से, टिन मर्क्यूरी को रिप्लेस किया जाता है कॉपर टिन में, और कॉपर टिन जो है वो बनेगा तभी पॉसिबल होगा जब कॉपर एनरिच्ड एलॉयज होंगे। कॉपर एनरिच्ड अमालगम होगी उसमें कम से कम गामा टू फेज होगा, कम से कम करोजन होगी। तो समरी इसकी ये है कि टार्निश बेसिकली जो होता है वो होता है सिर्फ लॉस ऑफ शाइन, उसके रिजल्ट में हमारे जो अमालगम का स्ट्रक्चर है उस पे एक सल्फाइड लेयर फॉर्मेशन हो जाएगी, और वो सल्फाइड लेयर जो होगी वो इजीली रिमूव हो सकती है। वो सल्फाइड लेयर जो है पैसिवेटिंग इफेक्ट देगी करोजन को रेजिस्ट करने में, और बेसिकली टार्निश है वो किसी भी तरह से हमारे मैकेनिकल स्ट्रेंथ को जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को अफेक्ट नहीं करेगा, और ना ही वो हमारे किसी भी तरह से किसी और इंटेग्रिटी को या स्ट्रक्चर को किसी को भी अफेक्ट करेगा। तो टार्निश इज नॉट दैट बैड, और टार्निश को ओवरकम करने के लिए हम उसे सिर्फ पॉलिश करेंगे सर्फेस को, टार्निश ओवरकम हो जाएगा। जबकि करोजन में क्या हो रहा है, एक अमालगम में बहुत सारे फेजेस होते हैं क्योंकि डिफरेंट मेटल्स मौजूद हैं। अब जो डिफरेंट मेटल्स हैं वो आपस में रिएक्ट करेंगे, एक कैथोड बनेगा, एक एनोड बनेगा, और सलाइवा जो है बेसिकली एक्ट करेगा एज एन इलेक्ट्रोलाइट। जब आपस में ये रिएक्शन होगा तो उसमें ये नुकसान है कि हमारा जो है तो स्ट्रक्चर है वो वीक हो जाएगा, हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट आएगा, क्योंकि ये जो है हमारे स्ट्रक्चर को वीक करता है, और उसकी वजह से बाद में फ्रैक्चर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं करोजन की। एंड करोजन अलोंग विद क्रीप विल फॉर्म डिचिंग, क्योंकि क्रीप की वजह से अनसपोर्टेड एजेस बन गए थी मार्जिन पे, और करोजन की वजह से वही अनसपोर्टेड एजेस जो है वीक हो जाएंगे, वीक स्ट्रक्चर हो जाएगा, और वो ब्रेक डाउन हो जाएंगे, फ्रैक्चर होने के रिजल्ट में वो बनाएंगी डिचेस। ये यहाँ पे इस डायग्राम में दिखाया है कि डिचेस बन जाएंगी, ठीक है। उसके अलावा हाँ, गामा टू फेज जो था वो ब्रेक डाउन कर रहा था, और करोजन प्रोडक्ट्स जो रिलीज हुई थी टिन कंटेनिंग करोजन प्रोडक्ट्स थी, ठीक है। टिन कंटेनिंग करोजन प्रोडक्ट्स के साथ मर्क्यूरी भी रिलीज हो रहा था। अब जो मर्क्यूरी रिलीज हो रहा है वो कंबाइन होता है हमारे अनरिएक्टेड अलॉय जो कि ऑलरेडी मौजूद था, अनरिएक्टेड अलॉय के साथ रिएक्ट करेगा, और वो अनरिएक्टेड अलॉय जो हमारे पास ऑलरेडी सेटिंग रिएक्शन के एंड में मौजूद था वो रिएक्ट कर रहा है मर्क्यूरी के, बट पूरी तरह नहीं मर्क्यूरी वहां रिएक्ट करता, तो थोड़ा सा चांस होता है कि मर्क्यूरी इंजेस्ट करेगा। अगर मर्क्यूरी इंजेस्ट होगा तो वो हमारे लिए हैजार्डस हो जाएगा, हमारे हेल्थ के इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है। फिर हमने ये डिस्कस किया था इंक्रीज्ड करोजन की किन वजह से हो सकती है। अगर अमालगम क्योंकि हम यूज कर रहे हैं उसमें मल्टीफेजिक स्ट्रक्चर है इसलिए, और लो कॉपर अमालगम अगर हम यूज करेंगे तब अनपॉलिश्ड अमालगम सरफेस होगा, और अगर अमालगम गोल्ड से कॉन्टेक्ट में आएगी। अच्छा, अगर हम कॉपर एनरिच्ड अमालगम यूज करेंगे तो गामा टू फेज कम्प्लीटली हम छोड़ देते हैं, मतलब गामा टू फेज बन ही नहीं रहा या टेम्परेरली बन रहा होता है, तो वो जो हमारा कॉपर एनरिच्ड अमालगम में फेज बन रहा है ईटा या एप्सिलॉन का, वो फेज जो है लेस करोजन करवाएगा, तो वो हमारे लिए ज्यादा फायदेमंद है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अच्छे से सुनो, और ये पूछा भी बहुत जाता है, ऑस्पी में भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा, और ये हर जगह पे बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि करोजन के क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, या क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं करोजन के, ठीक है। करोजन क्यों इंपॉर्टेंट है, करोजन के क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है। अब तक तो हमने सिर्फ ये पढ़ा कि करोजन के बहुत सारे नुकसान है, ठीक है, क्या क्या नुकसान है। करोजन प्रोड्यूसेस रेस्टोरेशन विद पुअर अपीयरेंस एंड अफेक्ट्स द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले तो अपीयरेंस खराब होती है, दूसरी चीज उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पे अफेक्ट होता है, तीसरी चीज चांसेस डिचिंग आर इंक्रीज्ड इफ क्रीप हैज आल्सो अकर्ड। तो अगर क्रीप अलोंग विद करोजन हो रहा है तो डिचिंग का भी प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। अब रिजल्ट इन लीचिंग ऑफ मर्क्यूरी फ्रॉम अमालगम अ कंसर्न फॉर सिस्टमिक टॉक्सिसिटी।
तीसरा डिसएडवांटेज ये है कि जो लीच आउट हो रहा है मर्क्यूरी करोजन प्रोडक्ट्स के अलावा जो लीच आउट हो रहा है मर्क्यूरी वो अगर इंजेस्ट होएगा तो वो सिस्टमिक टॉक्सिसिटी या सिस्टमिक प्रॉब्लम्स करा सकते हैं. तो ये सारे तो उसके हो गए डिसएडवांटेजेस या प्रो कॉन्स, सॉरी जो कॉन्स हो गए या उसके डिसएडवांटेजेस हो गए. इसके अलावा हमने इसके प्रोस बताने. प्रो इज बेसिकली एडवांटेज, ठीक है. तो सिर्फ एक ही एडवांटेज है इसका, प्रो क्या है, बेनिफिशियल रिजल्ट इन रिड्यूस्ड माइक्रो लीकेज. Beneficial result in reduced micro leakage due to sealing of dentinal tubules by corrosion products. तो होता ये है कि जो हमारे tin containing corrosion products release हुए हैं वो जाके हमारे dentinal tubules को जाके seal कर देते हैं. अब वो sealing में क्या फायदा हुआ, जब वो हमारे dentinal tubules को seal कर देंगे तो एक micro leakage prevent होगी. Obviously, एक बीच में एक लेयर फॉर्म हो जाएगी जो हमारे रेस्टोरेटिव मटेरियल और हमारे डेंटिन बीच में देख रहे हो करोशन प्रोडक्ट्स आ गए यहाँ पे, वो गैप को सील कर रहे हैं. तो एक तरह से माइक्रो लीकेज प्रिवेंट हो रही है और ये मार्जिनल लीकेज प्रिवेंट करेगा, ठीक है, और डेंटिनल ट्यूब्यूल्स को भी सील कर देता है. तो इसका ये फायदा है कि हमने करोशन का एक ही फायदा है कि माइक्रो लीकेज को प्रिवेंट करना. और जो क्या होता है जब हमारे जो टिन कंटेनिंग करोशन प्रोडक्ट्स रिलीज होते हैं वो जाके डेंटिनल ट्यूब्यूल्स के पास जाके उनको सील करते हैं और हमारी माइक्रो लीकेज प्रिवेंट होती है. ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत पूछा जाया है. तो ये याद रखना कि ए बेनिफिट क्या है करोशन का, कि करोशन प्रोडक्ट्स जो है वो गैदर अप हो जाएंगे रेस्टोरेशन टूथ इंटरफेस पे और फॉर्म करेंगे एक सील, और वो सील क्या करेगी, वो प्रिवेंट करेगी माइक्रो लीकेज को. ठीक है, क्लियर है यहाँ तक आप करोशन के प्रोज एंड कॉन्स समझ आ गए कि एक ही प्रो है, मतलब एक ही बेनिफिट है इसका कि माइक्रो लीकेज प्रिवेंट होती है करोशन प्रोडक्ट जाके जहाँ पे रेस्टोरेशन और हमारा टूथ का इंटरफेस है वहां पे सील प्रोवाइड करते हैं, डेंटिनल ट्यूब्स को सील करते हैं और माइक्रो लीकेज को प्रिवेंट करते हैं. और इसके प्रोस जो थे, जो कॉन्स थे सॉरी, वो थे कि करोजन जो है हमारी जो अपीयरेंस है उस पर अफेक्ट करेगा, उसके अलावा हमारी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज डिस्टर्ब होंगी और डिचिंग बढ़ जाएगी अगर यहाँ पे क्रीप भी हुआ हुआ है, और लीचिंग आउट होगी मर्क्यूरी की, जो कि मर्क्यूरी लीच आउट होगा और अगर हमारा मर्क्यूरी इंजेस्ट हो गया तो वो बाद में सिस्टमिक टॉक्सिसिटी करा सकता है. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, आगे करें. ठीक है, यहाँ पे इसकी मेन प्रॉपर्टीज यहाँ पे कंप्लीट हो गई है. नेक्स्ट हम करेंगे इसकी थर्मल प्रॉपर्टीज. अगर इससे रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन है, कोई चीज समझ नहीं आई है, कोई भी चीज पूछनी है तो पूछ सकते हो चैट करके. ओके, नेक्स्ट आ गए हम थर्मल प्रॉपर्टीज पे. ठीक है, अब थर्मल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, तीन चीजें मैंने तुम लोगों को पढ़ाई थी जब हमने थर्मल प्रॉपर्टीज डिस्कस की थी. एक तो थी थर्मल कंडक्टिविटी, एक थी थर्मल डिफ्यूजिविटी और एक था कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. तो सबसे पहली चीज है थर्मल डिफ्यूजिविटी. थर्मल डिफ्यूजिविटी जो है यहाँ पे हाई होगी क्योंकि अमेलगम जो है बेसिकली एक मेटल है, मेटल की फिलिंग है हमारी, बहुत सारे मेटल्स हैं, तो इसलिए इसकी थर्मल डिफ्यूजिविटी अलॉन्ग विद थर्मल कंडक्टिविटी हाई होती है. हम यहाँ पे डिफ्यूजिविटी को डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि डिफ्यूजिविटी डिफ्यूज करेगी जो हॉट स्टिमुलस आएगा और वो डिफ्यूज करेगा और हमारे पल्प को डैमेज कर सकता है, तो इसलिए हमारी डिफ्यूजिविटी यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम उसको डिस्कस करेंगे. तो बेसिकली क्या है, जो हमारा अमेलगम है वो है एक मेटालिक रेस्टोरेशन, मेटल्स की बनी हुई है. जो भी चीज मेटल की होती है वो हाई कंडक्टर ऑफ हीट होती है, राइट, मेजर कंडक्टर होती है, तो वो हाई वैल्यू ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी है. दिस इज कॉमन. अब हाई जो हमारी वैल्यू ऑफ थर्मल डिफ्यूजिविटी है वो क्या कराएगी, अब डिफ्यूजिविटी का काम है डिफ्यूज करना. जब हॉट स्टिमुलस आएगा तो वो थ्रू हमारे रेस्टोरेंट मटीरियल हमारे पल्प तक हीट जो है वो डिफ्यूज करेगा. तो हमारे यहाँ पे पल्प को हम कैसे प्रोटेक्ट करें, हमने ये पढ़ा था, पहले भी पढ़ा हुआ है तुम लोगों ने फर्स्ट ईयर में कि पल्प जो है सबसे सेंसिटिव होता है और अगर हीट स्टिमुलस आएगा तो वो तो पल्प को डैमेज करेगा. तो पल्प को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो हमें क्या करना है, तो उसके लिए हम देते हैं कैविटी में बेस या कैविटी में लाइनिंग देते हैं. कैविटी जो है, हमने कैविटी जो प्रिपेयर की है अगर वो लार्ज है, मतलब अगर डीप कैविटीज है,
या तो लार्ज हो, ठीक है, और अगर डीप हो, ठीक है, तो अगर डीप कैविटीज होंगी या लार्ज कैविटीज होंगी तो हम उसमें लाइनिंग देंगे. किसी लाइनिंग देंगे, बेस ऑफ द कैविटी में हम एक इंसुलेटिंग कैविटी लाइनिंग मटीरियल यूज करेंगे. तो कैविटी लाइनिंग मटीरियल इज यूजुअली यूज्ड फॉर लाइनिंग द कैविटी. और यहाँ पे उसका क्या मकसद होगा, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करना, थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करना ताकि हीट जो है डिफ्यूज होके पल्प तक ना जा सके. हमें एक क्योंकि ये थर्मल कंडक्टर है हीट का, तो हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है. वो इंसुलेशन कैसे प्रोवाइड होगी, कैविटी लाइनिंग के थ्रू. लाइनिंग देंगे, कैविटी की बेस भी दे सकते हैं, कैविटी बेस दे सकते हैं, कैविटी लाइनिंग दे सकते हैं. अच्छा, कैविटी लाइनिंग तब दी जाती है जब पल्प से बहुत करीब हो, तो वो तभी होगा जब बहुत डीप हमारी कैविटी होगी, ठीक है, तभी हम कैविटी लाइनिंग देंगे. अच्छा, अब कैविटी लाइनिंग में कौन से मटेरियल्स होते हैं. सबसे जो मोस्ट कॉमनली यूज कैविटी लाइनिंग मटीरियल है वो होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. यहाँ पे लिखा हुआ भी है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये सबसे कॉमनली यूज कैविटी लाइनिंग मटीरियल होता है और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल भी होता है. क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम है. कैल्शियम क्या करता है, कैल्शियम रिलीज होगा, ठीक है, तो वो एंटीकेरियोजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसकी, ठीक है, और कैल्शियम इज बेनिफिशियल फॉर अवर टीथ. तो इसलिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज द मोस्ट कॉमनली एंड द मोस्ट बेनिफिशियल कैविटी लाइनिंग मटीरियल जो हम यूज करते हैं. इसके अलावा हम जी आई सी भी यूज कर सकते हैं. जी आई सी इज ग्लास आइनोमर सीमेंट. ग्लास आइनोमर सीमेंट भी हम एज ए लाइनिंग मटीरियल यूज कर सकते हैं अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट ना हो. बट हमारी फर्स्ट इज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगी. ओके, दिस रिड्यूसेस द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ थर्मल स्टिमुलाई ऑन द पल्प. तो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहे हैं हार्मफुल स्टिमुलाई, हार्मफुल इफेक्ट थर्मल स्टिमुलाई के, क्योंकि हमने नीचे एक इंसुलेशन प्रोवाइड कर दी है. इंसुलेशन किस फॉर्म में प्रोवाइड की है, कि हमने वहां पे कैविटी लाइनिंग कर दी है. कैविटी लाइनिंग से फायदा होगा, जो थर्मल डिफ्यूजिविटी हो रही है जो कि हमारे पल्प को डैमेज कर सकती है वो नहीं होगी. थर्मल डिफ्यूजिविटी नहीं होगी, हमारा पल्प डैमेज नहीं होगा, ठीक है. यहाँ तक क्लियर है, आगे बढ़े. तो ये तो पहला पॉइंट डिस्कस हो गया थर्मल प्रॉपर्टीज में. इसके अलावा एक और चीज है जो कि इम्पोर्टेंट है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन. मैंने बहुत दफा तुम लोगों को क्लास में समझाया है, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इज बेसिकली जब हॉट स्टिमुलस आएगा तो हमारी जो कैविटी है, सॉरी फिलिंग मटेरियल है अलोंग विद द टूथ स्ट्रक्चर, वो जब हॉट स्टिमुलस आता है तो एक्सपैंड करता है, कोल्ड स्टिमुलस आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है. हमारा नॉर्मल जो टूथ स्ट्रक्चर है वो भी करता है, और हमारे फिलिंग मटेरियल में भी ये क्वालिटी होनी चाहिए कि वो भी साथ साथ उसके कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपैंड करे. तो जब भी हमारे पास थर्मल एक्सपेंशन शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ द टूथ सब्सटेंस. अब यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो 3 times ग्रेटर है, ठीक है, 3 times कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमारा 3 times ग्रेटर है. 3 times ग्रेटर होने का डिसएडवांटेज क्या होगा, डिसएडवांटेज ये होगा कि जब एक थर्मल स्टिमुलस आएगा, जैसे कोई हॉट वो आएगा स्टिमुलस, तो उसकी वजह से जो एक्सपेंशन होगी वो टूथ जितना एक्सपेंड करेगा उससे ज्यादा एक्सपेंशन हमारे फिलिंग मटीरियल में होगा. टूथ की एक्सपेंशन से ज्यादा हमारे फिलिंग मटीरियल में एक्सपेंशन होगी. और इसी तरह जब हमारा कोल्ड स्टिमुलस आएगा तो जितनी कॉन्ट्रेक्शन टूथ करेगा उससे ज्यादा कॉन्ट्रेक्शन हमारा फिलिंग मटीरियल करेगा. तो इसकी वजह से हो जाएगा, जब कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा हुई, देखो कॉन्ट्रेक्शन ज्यादा हुई, मार्जिनल गैप आ गया, और उसकी वजह से माइक्रो लीकेज अराउंड द फिलिंग सिंस देयर इज नो एडहेशन बिटवीन अमैलगम एंड सब्सटेंस. ये बात तो बहुत क्लियर है कि अमैलगम फिलिंग में किसी किस्म के केमिकल नहीं होगा जो कि हमारा एक केमिकल बॉन्डिंग कर सके. बॉन्डिंग 2 types की होती है, एक मैकेनिकल, एक केमिकल. तो हमारे अमैलगम फिलिंग में ऐसे कोई केमिकल नहीं डला हुआ जिसकी वजह से केमिकल बॉन्डिंग हो सके. तो हम किस पे डिपेंड करते हैं, हम मैकेनिकल बॉन्डिंग पे डिपेंड करें. और यहाँ पे मैकेनिकल बॉन्डिंग कैसे अचीव होती है, जब भी हम अमैलगम फिलिंग करते हैं तो उसकी कैविटी इस तरह से डिजाइन करते हैं कि मैक्रो मैकेनिकल रिटेंशन आ जाए. और उसके अलावा हम थोड़े बहुत अंडरकट्स और इस तरह की चीजें ग्रूव्स जो है इम्प्रोवाइज करेंगे ताकि माइक्रो मैकेनिकल उसमें माइक्रो मैकेनिकल एडिशन प्रोवाइड हो. तो हमें यहाँ पे मैकेनिकल एडिशन प्रोवाइड हो रहा है, केमिकल नहीं. तो इसका नुकसान ये होगा, जब कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होगी
और जब वो नॉर्मल अपने टेम्परेचर पे आएगा तो बीच में गैप्स बन जाएंगे, और या फिर हमारा जो फिलिंग मटेरियल होगा, देखो अगर फोर्स स्ट्रेस आएगा तो कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी, कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से माइक्रो लीकेज होगी, मार्जिनल गैप्स फॉर्मेशन और मार्जिनल स्टेनिंग और ये सारे इश्यूज आएंगे. और अगर हमारे हॉट स्टिमुलस आएगा, हॉट स्टिमुलस की वजह से क्या होगा, हमारे एक्सपेंशन ज्यादा होगी, एक्सपेंशन ज्यादा होने की वजह से हमारा फिलिंग मटेरियल जो है वो कैविटी में से प्रोट्रूड आउट हो जाएगा. जब वो कैविटी में से प्रोट्रूड आउट हो जाएगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल हो जाएगा. अच्छा उसके ओके तो ये प्रॉब्लम है हमारे अमालगम फिलिंग के साथ. क्या प्रॉब्लम्स हैं? दो प्रॉब्लम्स हैं थर्मल प्रॉपर्टीज में. नंबर वन थर्मल डिफ्यूजिविटी की प्रॉब्लम है जो कि हमारे डिफ्यूज हो रही है हॉट स्टिमुलस फ्रॉम द फिलिंग मटेरियल टू द पल्प. तो उसको हमने प्रिवेंट करना है ताकि डिफ्यूज ना करे, पल्प को डैमेज ना करे. क्योंकि थर्मल स्टिमुलस लगेगा तो पल्प में हॉट एंड पल्स सेंसिटिविटी स्टार्ट हो जाती है, हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन आने लगती है. उसके अलावा पल्प स्टोन्स बन सकते हैं. तो उस सबको हमें प्रिवेंट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक कैविटी लाइनिंग मटेरियल लाएंगे. यहाँ पे कैविटी लाइनिंग मटेरियल या तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है या फिर GIC होगा. ठीक है, इससे क्या होगा, इंसुलेशन प्रोवाइड होगी और जो थर्मल स्टिमुलस है वो हमारे सर्फेस से नीचे हमारे पल्प तक नहीं पहुंच पाएगा. बीच में एक इंसुलेशन की लेयर आ जाएगी तो वो सील कर देगा. बेसिकली थर्मल इंसुलेशन प्रोवाइड करेगा. कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन जो है वो 3 times ग्रेटर है एज कम्पेयर टू द टूथ स्टिंग. तो उसका नुकसान ये है कि जब भी हमारी फिलिंग होगी और उस पर हॉट या कोल्ड स्टिमुलस आएगा तो एडहेजन ना होने की वजह से, केमिकल एडहेजन ना होने की वजह से वो या तो बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी या बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाएगी. कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होने की वजह से मार्जिनल गैप होगी, माइक्रो लीकेज होंगे. ज्यादा एक्सपेंशन होने की वजह से वो प्रोट्रूड आउट कर सकती है और उस टाइम पे अगर हम बाइट करेंगे तो वो फ्रैक्चर हो सकता है. ठीक है, तो यहाँ तक थर्मल सबको क्लियर है. थर्मल प्रॉपर्टीज में क्या क्या होती है, अब हम बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज की तरफ चलते हैं. ओके, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज क्या है? ये मर्क्यूरी जो हमारा रिलीज हो रहा है, जो हम इंजेक्ट कर रहे हैं, या फिर जो मर्क्यूरी हमारा रिलीज होता है वेपर के फॉर्म में. वो वेपर के फॉर्म में कब रिलीज होता है? जब हम उसको प्लेसमेंट कर रहे होते हैं तो हम उसके जब मिक्सिंग करते हैं ना, ट्राइचुरेशन कर रहे हैं, हम उसको मिला रहे हैं अलॉय के साथ, तब वेपर मर्क्यूरी का वेपर रिलीज हो रहा है. उसके अलावा जब हम उसे प्लेस कर रहे हैं, कंडेंस कर रहे हैं, तब वेपर रिलीज हो रहा है. या फिर जब अगर पेशेंट आया और सेकेंडरी केरीज का इशू आ गया, क्योंकि अमलगम प्रोन है कि उसमें हो सकते हैं माइक्रो लीकेज और मार्जिनल गैप्स और ये सारे इश्यूज, तो पेशेंट आया और कहता है कि भाई अमलगम फिलिंग हटाए और मुझे इधर डिपोजिट करनी है क्योंकि अमलगम में बहुत इशू हो रहा है और उसकी वजह से मेरे दांत और खराब हो रहे हैं. तो जब पेशेंट की वो फिलिंग रिमूव कर रहे होंगे तो उस वक्त भी वेपर्स रिलीज होंगे, वो भी मर्क्यूरी वेपर्स हमारे लिए हार्मफुल है. तो वो सारी चीजें जो डिफरेंट तरीके हैं जिससे मर्क्यूरी हमारे बॉडी में रिलीज हो रही है और आ रही है, तो वो उस क्या क्या कराती है, सिस्टमिक टॉक्सिसिटी कराते हैं, एलर्जिक रिएक्शन कराते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशन होगा उस वजह से अगर मर्क्यूरी गिर जाएगी, या वेपर के फॉर्म में भी हो सकता है, और स्टेनिंग ऑफ टिश्यू. ये चार जो है बायोलॉजिकली हमें अफेक्ट कर रहा है अमलगम फिलिंग. क्यों? क्योंकि उसमें मर्क्यूरी रिलीज हो रही है, मर्क्यूरी या इंजेस्ट हो रही है, या मर्क्यूरी वेपर रिलीज हो रहा है, या फिर मर्क्यूरी अगर गिर जाती है फिलिंग करते हुए, अगर मर्क्यूरी गिर गया, मर्क्यूरी स्पिल हो गया, तो वो भी एनवायरमेंटल हैजार्ड हो जाता है. अब हम इंडिविजुअली इनको डिस्कस करेंगे. अच्छा, रिलीज ऑफ वेपर मैंने डिस्कस किया कि कब कब मर्क्यूरी का वेपर रिलीज होता है. मर्क्यूरी का वेपर रिलीज होता है जब होती है उसकी प्लेसमेंट जब होगी उसकी ट्राइचुरेशन दैट इज मिक्सिंग, या फिर उसकी कंडेंसेशन के वक्त, या फिर जब हम रिमूव कर रहे होते हैं. ओके अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर्मेशन जो हो रही है ना हमारे जो डिफरेंस उसकी वजह से हो रही है, वो वहां पे वो रीजन है. ठीक है, गैल्वेनिक पेन का जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर्मेशन हो रही है, क्योंकि क्या हो रहा है, गैल्वेनिक पेन जो बेसिकली है वो होता ही तब है जब करोजन होगी. ठीक है, करोजन की वजह से गैल्वेनिक पेन होता है. तो जब भी हमारे पास करोजन होती है तभी गैल्वेनिक पेन होता है.
अगर ही थर्मल स्टिमुलस आ जाए तो भी गैल्वेनिक पेन नहीं होगा. गैल्वेनिक पेन इज स्पेसिफिकली ओनली देयर जब करोजन हो रही है. करोजन की वजह से सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और वो उस और जो है सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और वहां पे गैल्वेनिक पेन स्टार्ट हो जाएगा उस एरिया में. तो ये सिर्फ करोजन की वजह से हो रहा है, करोजन किसी भी तरह का, ठीक है. जरूरी नहीं है कॉन्सेंट्रेशन सेल करोजन की वजह से हो, ये नॉर्मल करोजन. अगर दो फिल्स हैं हमारे पास, दो मतलब एक गोल्ड फिलिंग है और एक हमारी अमेरिकन फिलिंग है, आपस में उनमें करोजन हो रही है तो गैल्वेनिक पेन प्रोड्यूस होगा, तो भी गैल्वेनिक पेन होगा, ठीक है. जहां भी करोजन होगा वहां पे गैल्वेनिक पेन प्रोड्यूस हो सकता है, और गैल्वेनिक पेन अलोंग विद सेंसिटिविटी, ठीक है. हीट की वजह से जो होता है वो पल्प में सेंसिटिविटी होती है, ठीक है. हमारे थर्मल स्टिमुलस है वो पल्प को डैमेज कर रहे हैं, वो सिर्फ पल्प को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है. तो में हॉट एंड कोल्ड सेंसेशन लगता है. जो गैल्वेनिक पेन बेसिकली होता है ना वो पूरे रीजन में होता है, ठीक है, एक एरिया स्पेसिफिक एरिया में होता है, एज कम्पेयर टू जो थर्मल स्टिमुलस की वजह से पल्प में जो पेन सेंसिटिविटी होगी वो सिर्फ एक स्पेसिफिक दांत में होगी. बता सकते हैं आप, इंडिकेट कर सकते हैं कि इस दांत में प्रॉब्लम हुआ है, ठंडा गर्म लग रहा है, या इस दांत में मुझे बहुत तकलीफ है, तो पता चल जाएगा. अमेलगम के थर्मल स्टिमुलस नीचे जाने की वजह से अमेलगम फिलिंग के थ्रू तो हमें वहां पे पल्प में प्रॉब्लम आ रही है, पल्प स्टोन्स बन जाते हैं. जब हम बाद में कोई प्रोसीजर करना चाहते हैं जैसे रूट कैनाल होता है, तो रूट कैनाल जो ट्रीटमेंट होता है उसमें हम प्रॉपरली पल्प को एम्प्टी करते हैं तो वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्योंकि पल्प स्टोन्स बने हुए होते हैं, और ज्यादातर उन लोगों में पल्प स्टोन्स होते हैं जिनके टूथ जो है वो ट्रॉमेटाइज हुए हुए होते हैं ड्यू टू थर्मल स्टिमुलस. अच्छा, ये क्वेश्चन आया था तो मैं उसका जवाब दे रही थी, ये बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज से रिलेटेड नहीं है. ओके, एक और क्वेश्चन है, ठीक है, सही है, क्लियर हो गया. अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे जो कि था हमारे बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज. तो वेपर कब कब रिलीज हो रहा है, जब भी हमारी प्लेसमेंट होगी जो कि है ट्राइचुलेशन मिक्सिंग के वक्त या कंडेंसेशन के वक्त, क्योंकि हम मुसलसल उसको मिक्स कर रहे होते हैं तब वेपर रिलीज हो रहा होता है अमेलगम. और उसके अलावा जब हम अमेलगम फिलिंग को रिमूव करते हैं, हम बर्ड चलाते हैं, ठीक है, जो हमारा हैंड पीस है वो हम यूज करते हैं, तो उसकी वजह से पानी और वो जो हमारा प्रेशर है जो एग्जर्ट हो रहा है उसकी वजह से वेपर रिलीज हो रहा है. अच्छा, अब उसके अलावा स्पिलेज जब होता है, स्पिलेज हो जाए अगर मतलब नीचे गिर जाए, अगर मर्क्यूरी नीचे गिर जाएगा तो भी वो वेपर जो है रिलीज करना शुरू कर देगा, क्योंकि मर्क्यूरी का मसला ये है कि वो अगर हाई टेम्परेचर में जाते हैं ना तो वो ज्यादा वेपर रिलीज करता है. और ऑब्वियसली हमारे कंट्रीज में हॉट ह्यूमिड एनवायरनमेंट से हर जगह पे एसी की फैसिलिटी नहीं है, या हर जगह बहुत ज्यादा ही हमारा कोल्ड एनवायरनमेंट नहीं है, ज्यादा वेपर रिलीज हो जाएगा. अगर नीचे गिरा हुआ मर्क्यूरी होगा तो वो भी वेपर रिलीज करेगा. सेकेंडली, स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स कंटामिनेटेड विद मर्क्यूरी. अब अगर कोई इंस्ट्रूमेंट हमने यूज किया है अमेलगम की फिलिंग करने के लिए और हमने उसको बगैर साफ किए हुए स्टेरिलाइज करने रख दिया, तो वहां भी वेपर मर्क्यूरी वेपर रिलीज होगा जो कि इनडायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट को ही अफेक्ट कर रहा है. अच्छा, ओके, उसकी तो बात करके मैं पूछूंगी अगर पॉसिबल हो, वरना ये अभी मुझसे ये करवाना पॉसिबल नहीं है, मैं खुद से ये कर नहीं सकती. मैं एट द मोस्ट ये कि मैं बार बार रिपीट कर सकती हूँ, तुम लोग सुन लो अच्छे से, अगर कोई क्वेश्चन है पूछ लो, मैं वो भी आंसर करती हूँ. जितना तुम लोग पूछते हो मुझे अच्छा लगता है कि रिस्पॉन्स आ रहा है, तुम लोग इंटरेस्ट से सुन रहे हो. बाकी ये फेसबुक पे डालना ये सब अभी मुझे अलाउड नहीं है. ओके, नेक्स्ट क्या हो गया, ओके, आगे चला जाता है. अच्छा, यहाँ पे हमने दिखाया है कि डेंटल अमेलगम जो फिलिंग हो रही है, डेंटल अमेलगम फिलिंग उसकी स्टेजेस दिखा रहे हैं, ठीक है. अब कौन से स्टेजेस पे अमेलगम बहुत ज्यादा टॉक्सिक होगा, सबसे पहले बिफोर मिक्सिंग, आफ्टर मिक्सिंग, मतलब आफ्टर रिमूवल बेसिकली, ठीक है. तो बिफोर, प्रायर टू प्लेसमेंट एंड आफ्टर रिमूवल, ये दो टाइम्स ऐसे होते हैं जब हमारा अमेलगम जो है वो अनसेफ होता है, जो कि साइंटिफिकली टॉक्सिक है. जब वो हमारी कैविटी में डल है इन द फॉर्म ऑफ अमेलगम तो वो सेफ है. सॉलिड अमेलगम फिलिंग हो गई, सॉलिडिफाई हो गई या टूथ कैविटी के अंदर, तो वो सेफ है. बट जब वो मिक्सिंग हो रही है उसकी, अनमिक्स्ड अमेलगम कंटेनर में पड़ा हुआ है,
प्लेसमेंट से पहले जब उसकी मिक्सिंग वगैरह हो रही है तो वो अनसेफ होता है, और इसी तरह जब वो रिमूव हो जाता है तो भी वो हैजार्डस होता है। तो उसका एक प्रॉपर रिमूवल का तरीका है, उसको हम ऐसे ही नहीं फेंक देते डस्टबिन में उठा के, उसको हमें डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए भी बाद में जाके वेपर रिलीज करेगा और एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा। ओके, अब अगर मैनेजमेंट ऑफ मर्क्यूरी स्पिल, अगर मर्क्यूरी गिर जाए तो क्या करना है हमने? हमने वैक्यूम क्लीनर नहीं यूज करना, ना किसी और तरह के क्लीनिंग यूटेंस हमारे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने हैं, ना ही कोई ब्रूम यूज करना है, कोई हाउस होल्ड प्रोडक्ट कुछ नहीं यूज करना, और स्पेशली कोई भी अमोनिया या क्लोरीन बेस्ड प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल यूज नहीं करना, मतलब हाउस होल्ड ब्लीच इस तरह की चीजों को अवॉइड करना है, हमें बिल्कुल क्लीन नहीं करना उससे, इसको बिल्कुल अवॉइड करना है, क्योंकि इससे वेपर ज्यादा रिलीज होगा, ये ना रिएक्ट कर जाएगा मर्क्यूरी के साथ और वेपर रिलीज करेगा और हमारे एनवायरमेंट को डैमेज करेगा। अच्छा, अब मर्क्यूरी को कभी भी ड्रेन में फ्लश नहीं करना आपने, नेवर डू दैट, ना ही ब्रूम से या पेंट ब्रशों से क्लीन अप करना है, और जो लोग ऐसे शूज पहने होते हैं ना जिसमें नीचे होल होते हैं, उनको भी अलाउ नहीं करना कि आप बाहर जाएं जब तक वो उनके शूज वगैरह क्लीन ना हो जाए, क्योंकि वो भी कंटेमिनेट करेंगे, जहां जहां जाएंगे वो वहां पे मर्क्यूरी कंटेमिनेशन होती जाएगी, ठीक है? So never allow people whose shoes may be contaminated with mercury to walk around or leave the spill area until the mercury contaminated items have been removed. So agar hum usse broom se saaf nahi kar sakte, hum koi liquid cleaner use nahi kar sakte, hum na wo vacuum se utha sakte, na hum usko pour kar sakte drain, to hum karenge kya? Reason to uske liye aati hai mercury spill kits, theek hai? So mercury spill kit hamesha honi chahiye aapke paas, agar aap amalgam ki filling kar rahe hain aur amalgam wo use kar rahe hain, मर्क्यूरी आपकी यूजेज में है, तो वहां पे होनी चाहिए मर्क्यूरी स्पिल, ठीक है? उनको आपने यूज करना है, उससे आपने मर्क्यूरी को उठाना है, और मर्क्यूरी को उठाना अगर नहीं उठ सकती मर्क्यूरी, या वो इस तरह से पूरे आपके जैसे उस एरिया में जैसे कारपेट है, अगर कारपेट पे गिर गई और नहीं वो प्रॉपरली पूरी तरह उठ पा रही, तो आपने क्या करना है, उसको डस्ट करना है कैल्शियम पॉलीसल्फाइड के साथ, ताकि वेपर नहीं बने उसका। बेसिकली जो मर्क्यूरी का वेपर बनता है ना, वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, हमारे अपने इनहेलेशन के लिए भी हार्मफुल है, अगर कोई एस्थमेटिक पेशेंट आ जाए या कुछ आ जाए, उसको से इरिटेशन शुरू हो जाएगी और आगे हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी हार्मफुल है। तो हमने किस चीज से उठाना है, मर्क्यूरी स्पिल किट यूज करनी है मर्क्यूरी को उठाने के लिए, जो कि स्पिल हो चुका है नीचे जमीन पे, और अगर वो प्रॉपरली नहीं उठाया जा रहा तो हमने उसके ऊपर डालना।